फातिमा सना शेख और सैफ अली खान की फिल्म तांत्रिक का बदला टाइटल। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान जल्द ही अपनी अगली फिल्म तांत्रिक में दंगल गर्ल फातिमा सना शेख के साथ नजर आएंगे, लेकिन खबर है कि अब इस फिल्म का नाम बदल गया है। जी, इस फिल्म का नाम तांत्रिक से भूत पुलिस रखा गया है। जानकारी के मुताबिक सैफ अली खान से पहले इस फिल्म में अभिषेक बच्चन को साइन किया था, लेकिन सैफ अली खान ने इस फिल्म में उनको रिप्लेस कर दिया। इन दिनों सैफ अली खान अपने काम में बिजी हैं। सैफ अली खान इस हॉरर फिल्म के अलावा हंटर और तानाजी की शूटिंग में बिजी हैं। इससे पहले भी सैफ अली खान बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुके हैं। सोशल साइट पर सैफ अली खान बेटे तैमूर अली खान और वाइफ करीना कपूर खान के साथ फोटो शेयर करते रहते हैं। यही नहीं, खुद करीना कपूर खान भी बेटे तैमूर की क्यूट फोटो शेयर करती रहती हैं। बी टाउन का तैमूर सबसे क्यूट बच्चों में शुमार हैं। सभी जगह तैमूर को फॉलो किया जाता है। सैफ अली खान और फातिमा सना शेख पहली एक साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। इस फिल्म से पहले फातिमा ने आमिर खान के साथ फिल्म दंगल और टच ऑफ हिंदुस्तान में काम किया है। सैफ के अलावा फातिमा निर्देशक अनुराग बसु की फिल्म में नजर आएंगी, हालांकि इस फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है। इस फिल्म में उनके साथ एक्टर राजू कुमार राव नजर आएंगे, जो हाल ही में सोनम कपूर के साथ फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा में नजर आए थे। अब सना एक्टर सैफ अली खान के साथ कितना कमाल कर पाएंगी, ये तो इनकी फिल्म के रिलीज होने के बाद तय होगा, पर अभी से लोगों को फिल्म का इंतजार है।